ये मेरा प्रोडक्ट अप्रूवल हो चुका है, पब्लिश्ड। क्लिक करते हैं और ये वाला लिंक है बस। या फिर आपने एक्सेल फाइल में भी लिंक बना के रखा है, यहाँ पे कहाँ गया लिंक, यहाँ पे लिंक बना के रखा है। क्या फिल्टर लगाना है, सब कुछ आपके पास रेडी है। तो क्या करना है आपको, ये लिंक को कॉपी करना है, यहाँ से प्रोडक्ट एल्बम बनाना है, लिंक को कॉपी कर लो और बायर के अकाउंट में जाओ। ठीक है, कौन सा बायर के अकाउंट है ये। बायर के अकाउंट में जाने के बाद ये लिंक को हम लोग यहाँ पे अभी एल्बम बना रहे हैं। हम लोगों ने एल्बम के लिए काम कर लिया था, उससे पहले एल्बम बनाने के लिए मैंने पूरा उसके पीछे का जो काम था वो कर लिया था। अभी डायरेक्ट हम लोग फिल्टर लगाएंगे और एल्बम हमारा डायरेक्ट बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, अभी एलईडी स्ट्रीट लाइट के ऊपर जस्ट क्लिक करें, आ गया, ये आ गया मेरा कैटेगरी का नाम। एल1 के लिए ऐसा करना है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्ट कंसाइनी, अभी यहाँ पे क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी का है वो भी हम लोगों ने पूरा डिटेल्स लिख के इसलिए रख लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कितना क्वांटिटी है, 150, और रेट आना चाहिए 1485। से आता हूं 150 करते हैं सर, 15,900 वाला आ गया। अभी यहाँ पे नया टैब ओपन और यहाँ पे आपका लिंक फिर से और मारो, ये आपका डेट आना चाहिए। डेट आपका आया तो फिर आप L1 के लिए बैठो। आपका डेट आया क्या, यस और नो? अभी ये वाला प्रोडक्ट हमको ऑर्डर 100% मुझे। अब जस्ट फिल्टर लगाना है, क्या फिल्टर लगाना है तो वो भी लिख के रखा हूँ, ये हम लोगों ने पहले इस पर वर्किंग कर लिया था। दो फिल्टर लगाना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गियर 3 और वाट 24 गियर 3। मत देखो अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं पता रेटिंग कितना है, बस देखो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा 1485। आ गया क्या आपका प्रोडक्ट, बनाओ यहाँ पे कंपेयर। 3 प्रोडक्ट हमने डाल दिया, किसी को भी कंपेयर कर लो, अलग ब्रांड के साथ करो, सेम ब्रांड नहीं चलेगा, याद रखो ये चीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसको नहीं चलेगा क्योंकि दोनों सेम ब्रांड है, अलग ब्रांड ये डाल दो, हो गया। स्टार्ट कंपेयर और ऑर्डर प्लेस करो, ये तो मैंने अभी बताया ही आपको। चलो और एक प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट है उसका भी बना के रखा था हम लोगों ने डेस्कटॉप रेट, सब कुछ आपका ही चीजें हमने लिया, ठीक है, वर्किंग करके रखा हूँ। और फिर से आता हूँ बाहर, क्लोज कर देता हूँ विंडो, यहाँ पे लिंक को, लिंक का ऑर्डर हमारे पास कर दिया। कैटेगरी के ऊपर क्लिक करो, पहले वाला एल्बम हुआ, अभी दूसरा एल्बम डेस्कटॉप। इसके आगे का प्रोसेस बताया था, तो यहाँ पे बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्ट कंसाइनी महाराष्ट्र, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी है, कितना है क्वांटिटी इसका, 542,000 के अकॉर्डिंग 2010 में, है ना। समझ में नहीं आ रहा है तो बताते जाओ। सिलेक्ट कंसाइनी क्वांटिटी 5 सर्च, सर्च कर दिया, एल्बम हमारा कोई तो आ गया है प्रोडक्ट। अभी एक नया टैब खोलेंगे और यहाँ पे पेस्ट, मेरा रेट आया कि नहीं आया तो काम करना, नहीं आया तो नहीं करना। 2,10,000 कितना था मेरा रेट, लिख के रखा हूं मैंने 2,00,000, मतलब मेरा रेट 5। अभी मैं यहाँ पे एल्बम के लिए काम करना चाहता हूँ, फिल्टर क्या लगाना है, पहला प्रोसेसर जस्ट जनरेशन डिस्क्रिप्शन, प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन क्या था मेरा 3 ये तो था, ये मुझे याद है इसलिए, बाकी किसी तो याद नहीं है। यहाँ पे जाओ क्या क्या, टाइप ऑफ ड्राइव्स SSHD, टाइप ऑफ ड्राइव्स आ गया, ट्राइप ऑफ SSHD यही था ना, अभी थोड़ा मैं भी इसमें कंफ्यूज। चलो SSHD
और क्या था फिल्टर? रैम था 8 GB सर। 8 GB रैम था, 8 GB का रैम, रैम में जाओ 8 GB ढूंढो, इसके बाद ही निकलेगा। जैसे जैसे मैंने लगाया ना वैसे वैसे आपको मिलेगा 8, ज्यादा ढूंढा भी नहीं। 1,90,000 और एक फिल्टर है, क्या था और एक फिल्टर देख लो, SSD 128। अब इसके नीचे मिलेगा कहीं पर 120, देखो डायरेक्ट हमारा 2,10,000 वाला ही आएगा फोटो। कल आएगा 2,10,000 वाला आ गया, मिल गया सेम L1 के लिए। उठा लो तीन प्रोडक्ट, किसी के साथ कंपेयर करो, इसके साथ अलग ब्रांड का होना चाहिए, खाली याद रखेंगे हम लोग। स्टार्ट कंपैरिजन, ऐड टू कार्ट करो, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट हो जाएगा ये, डायरेक्ट परचेज 5 लाख तक आप ऐसे बना सकते, डायरेक्ट परचेज। यस, इसके आगे का प्रोसेस तो मैंने डायरेक्ट परचेज डायरेक्ट ऑर्डर में भी बताया था, जब डायरेक्ट ऑर्डर पूरा कंप्लीट करके दिखाया था, है ना, जिसका इनवॉइस वगैरह भी जनरेट करना सिखाया था। यहाँ पे आ जाएंगे तो आ जाएगा, बाकी पेमेंट डिटेल्स वगैरह डालो जैसे कल करके दिखाया था, आपका ऑर्डर रिलीज कर दो, डायरेक्ट आपको ऑर्डर मिल जाएगा। क्लियर है L1 अभी? तो दो दो चीजें मैंने आपको दो प्रोडक्ट का L1 करके दिखाया।